Taimur. क्या हो गया यार? लेकिन इस तरह अचानक सब कुछ कैसे? जब मैं हॉस्पिटल में उससे मिलने गया था तो खतरे की तो कोई बात नहीं थी। बस हॉस्पिटल जाते हुए काफी खून बह गया उसका। डॉक्टर्स ने काफी ऑपरेट करने की कोशिश भी की लेकिन बचा नहीं पाया उसको। हमारे लिए खबर तो किसी कयामत से कम नहीं है यार। पहले अशर का भाई खानदानी दुश्मनी में मारा गया और अब अशर भी। अंकल ने कहा है खबर सुनते ही हमारा खानदान तो पूरे सकते में आ गया। अम्मा साईं को तो बेहोशी के दौरे पड़े। बाबा भी बहुत दुख में है लेकिन उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। सर वो जवाब सब नमाज़े जनाना का तुम्हारे खानदान में से और किसी ने आना? बस अब किसने आना है? बाबा तो नहीं आएंगे। मैंने उनसे पूछा था कि अशर को हम लोग अपने गांव के आबाई कब्रिस्तान में दफना देते हैं लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अशर को आग कर दिया। उसका हमसे और हमारी जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बस आप लोगों ने जहां कब्र का इंतजाम किया वहीं पर दफना देते हैं। मुर्तजा क्या कर रहे हो? क्या मतलब? एक मिनट मुर्तजा कहाँ लेके जा रहे हो? ये क्या कर रहे हैं अम्मी? एक सेकंड मैंने बस बात करनी मुर्तजा से, उसे लेके जा रहे हैं। अम्मी वो गुस्से में आ जाएगा, मेरे से लड़ेगा। वो गुस्से में नहीं आएगा, नहीं लड़ेगा। मुर्तजा क्या आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन ले। एक सेकंड अच्छा मैं कुछ नहीं करी मैं सिर्फ बात करी। एक सेकंड वो उसको लेके जा रहे हैं, वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो फिर गुस्से में आ जाएगा। बेटे वो नहीं वापस आएगा। मैंने मुझे इसमें नहीं आएगा वापस। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? पागल हो रही हैं आप? क्या हो गया आपको? क्या सबको क्या हो गया? बेटा वो नहीं आएगा, वो अल्लाह के पास चला गया। शोर नहीं करते बेटा। आप लोग मैं उससे बात करती हूँ, उससे मैं समझा। चुप कर जाओ अनुषे, प्लीज हैंडल देम ना, प्लीज इनको हैंडल करो। वो अल्लाह मिया के पास है, वो अब नहीं आएगा। क्या हो रहा है मतलब? मुझे पता चला गया, मुर्तजा उसे लेके गया। अनुषे मुर्तजा को रोको। मेरी बात को मेरी बात नहीं सुना। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इस तरह तो वो नाराज हो जाएगा। मामा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय पी लें। इन चारों की दोस्ती तो पूरी यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम्पल थी कि इन लोगों के सारे ख्वाब पूरे होते हैं, ये लोग कितने लकी हैं। लेकिन अशर भाई की डेथ के बाद तो जैसे सब कुछ चेंज हो गया। मैं तुमसे कह रही थी ना बेटा,
मेरा दिल आजकल बहुत घबरा रहा है, कुछ होने वाला है। मामा अभी अशर भाई की एज ही क्या थी, अभी तो उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी। बेचारा टेंशन मेरा, शादी से पहले आयला को मनाता रहा और शादी के बाद वालिदैन को। मामा लेकिन आप ये सोचें कि हम ही अशर भाई की डेथ का इतना सदमा आए, लेकिन तो उनके पेरेंट्स दुआ और आयला आंटी पे क्या गुजर रही होगी। हाँ बेटा, हम लोग तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना कि अल्लाह पाक दोनों फैमिलीज को सबर अता करे। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बच्चों की खुशियों को। मुश्ताजा की शादी के लिए कितनी तैयारियां की थी और कितनी बेरौनक शादी हुई। इतनी जल्दी सब कुछ चेंज हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। बेचारी दुआ की हालत तो मुझसे देखी नहीं जा रही, कितना मुश्किल होगा उसे खुद को संभालना। हैला ने तो फिर भी हिम्मत से काम लिया, सबर कर लिया। मामा डिस्टर्ब तो सभी हो गए हैं, इवन बाबा का भी ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया है। हाँ बेटा, अल्लाह पाक सबको सबर अता करे। ठीक कह रही हूँ। मामा हिम्मत से काम नहीं, चाय पिए आप प्लीज। मामा तो बेटा कुछ बोलो, कुछ कहना नहीं चाहती तो थोड़ा सा रो लो। इस तरह खामोश रहने से दिल का दुख नासूर बन जाता है बेटा। पता नहीं तकदीर लिखने वाले ने तुम्हारा और मेरा नसीब एक ही कलम से क्यों लिखा है। मैं भी जवानी में अकेली रह गई और तुम भी। कितनी खुशियां देखनी बाकी थी, कितने अरमान थे। लेकिन जीना तो पड़ता है ना मेरी जान, हमें जीना होगा ना एक दूसरे के लिए। अम्मी के साथ थोड़ा सा खाना खाओगी? आपने खाने में क्या बनाया? सालन होगा और रोटी। अशर को बिरयानी पसंद है अम्मी, उसने बिरयानी खानी थी ना। अब वो वापस आने वाला होगा, फिर लड़ूंगी मैं उसके साथ, फिर झगड़ा करूंगी, जबरदस्ती उसे रोटी खिलाऊंगी मैं। आपको पता था उसने बिरयानी खानी है। तो बेटा अशर अब नहीं आएगा, अशर नहीं आ सकता। तो फिर ठीक है ना, जब तक वो नहीं आता मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। क्या हो गया? कुछ नहीं। किन ख्यालों में गुम? तुम्हें आराम की जरूरत है वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। किस बात का? कि अशर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब तो हमने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। पता है यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा फील होता था जैसे सब कुछ हमारी कंट्रोल में। इवन ये भी फील होता था जैसे वक्त हमारी मुट्ठी में,
लेकिन अब लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी हो सबने पूरी कोशिश की थी अशर को बचाने की. मैंने तो अपने हाथों से इसको कब्र में उतारा है, फिर भी मुझे उसकी मौत का यकीन नहीं हो रहा. मेरा भी यही हाल है. बताएं अनुष्य, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अशर का कोई मुझे फोन पे फनी सा मैसेज आएगा, वो मेरे कमरे के दरवाजे को लात मार के अंदर घुसेगा और बोलेगा कि चलो कहीं कहीं बाहर चलते हैं. मुझे तो सिर्फ दुआ की फिक्र हो रही है कि उस बेचारे का क्या होगा. दुआ, सारी जिंदगी दुआ ने परेशानियां देखी, अब अशर से शादी के बाद उसकी खुशियों भरी जिंदगी का आगाज होना था. अभी तो बेचारी शॉक में है, सेंसेस में ही नहीं है. उसे हमें रियलाइज करवाना होगा कि अशरफ इस दुनिया में नहीं है. आयला बहन, तुम्हारे दामाद का जवान जहान मौत का बहुत अफसोस हुआ मुझे. जी बस क्या कर सकते हैं. मुझसे तो दुआ बेटी की ये हालत नहीं देखी जाती है. बेचारी भरी जवानी में बेवा हो गई. सुना था कि बेटियां माँ की शक्ल लेकर पैदा होती हैं, लेकिन ये बेचारी तो माँ का नसीब लेकर पैदा हुई है. मुझे जरा इजाजत दीजिए, ये रात भर सोई नहीं है. उठो दुआ, आओ जरा लेट जाओ थोड़ी देर के लिए. अरे बहन, मुझे तो लगता है आयला ने जरूर कोई गलत काम किया होगा. जब भी तो उसके घर को बद्दुआ लग गई है, पहले भरी जवानी में खुद बेवा हो गई और अब बेटी. सच कह रही हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता है. लेकिन इनके करे की सजा तो इनके दामादों को मिल रही है ना. कुछ खुदा का खौफ है तुम लोगों को है? और जिस घर में तुम लोग ताजियत करने के लिए आई हो उन्हीं लोगों के लिए तुम बातें कर रही हो. ओहो, खालदा को देखो कैसा बुरा लग रहा है. हाँ हाँ, क्यों नहीं बुरा लगेगा. अरे तुम लोग आयला के एहसानात भूल गई हो हैं? और उसी के घर में बैठकर उसी के खिलाफ बात कर रही हो. दामाद आयला का मरा है और पागल खालदा आ रही है. चलो भाई चलो, चले सही जाओ जाओ. कहाँ जा रहे हैं आप? अरे जाने, खालदा से पूछ लें आप. चल चल ठीक है. क्या हुआ? अरे जाने दो इन लोगों को, ये लोग इज्जत के लायक नहीं है. आई थी ताज़ियत करने के लिए, उल्टी सीधी बातें करने लग गई. अरे ऐसा भी कोई होता है क्या? अगर माँ अमीर है तो बेटी भी उसकी अमीर है, अगर माँ गरीब है तो बेटी भी उसकी गरीब है. अरे नसीब तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, माँ बाप के हाथ में है क्या नसीब. कह रही है लड़की पागल हो गई है इनकी, ये हो गया. तुम्हारे एहसानात भूल गई ये लोग, कितने तुम्हारे एहसानात है सबके ऊपर. आप नाश्ता नहीं कर रही? दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे. समझ सकता हूँ, मेरी भी यही कैफियत है. अशर की डेथ की वजह से सबका बुरा हाल है. मैंने फोन किया था सिकंदर खान को ताज़ियत के लिए. अशर की मौत के सदमे की वजह से उनसे तो बात भी बहुत मुश्किल से हो रही थी. आप खुद ही सोचें उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, कितनी बड़ी क्यामत टूटी उन लोगों पर. हमें बड़े बेटे का गम नहीं भूले थे कि अशर कत्ल हो गया. लेकिन हैरत इस बात की है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद सिकंदर खान का गुस्सा कम नहीं हुआ. कह रहे थे कि अशर को उसकी नाफरमानी की सजा मिली है. बड़े संगदिल हैं वो लोग, उन्हें जरा भी एहसास नहीं. हमारे तो बच्चों का दोस्त था, कितना अजीज था वो हमें.
बजाहिर तो सिकंदर खान अपने बेटे की मौत की वजह से अंदर से टूट गया है, लेकिन पुरानी खानदानी रवायात का भरम रखने के लिए इस किस्म की बातें कर रहा है। मुझे तो दुआ और आयला का ख्याल आ रहा है। बेचारी किस तरह दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रही होंगी। मैं भी आप सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हौसला रखें और खुद पे कंट्रोल करें ताकि हम दुआ और आयला बहन को इस सदमे से निकालने के लिए उनकी मदद करें। आप ठीक कह रहे हैं, उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है। दुआ बेचारे का तो बहुत बुरा हाल है, उसे तो कुछ होश ही नहीं है। आप बच्चों को भी समझाएं कि हौसला रखें। लीजे तो अब ठीक है, यूनिवर्सिटी गई है, लेकिन अनुषा और मुर्तजा उनका तो बहुत बुरा हाल है, वो ठीक नहीं। इस तरह तो वो बीमार हो जाएंगे। अच्छा आप परेशान ना हो, उठ जाएंगे तो मैं उन्हें समझाती हूँ। आप तो कुछ खा लें। आयला यू कब तक उदास खड़ी रहोगी? चलो आओ मैं खाना लेकर आई हूँ, और देखो तुम्हारे दुख में मैं भी बराबर के शरीक हूँ। मेरा भी तो बेटा चला गया, उसको कुछ पता नहीं है, पर मैं भी तो जी रही हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रेश फ्रेश बनाकर लेकर आई हूँ, तुम्हारी पसंद की दाल है और आलू मटर की सब्जी। आप क्यों तकलीफ करती हैं? रात का खाना रखा हुआ। कोई बात नहीं, ये तुम बाद में खा लेना, अभी तुम ये खाओ। अच्छा मैं दुआ को बुला। नहीं बड़ी मुश्किल से सोई है, भी उसे रहने दें। उसकी तबीयत कैसी है? वैसी ही है, ऐसे लगता है जैसे हर वक्त अशर का इंतजार करती रहती है। दोनों में प्यार भी तो बहुत था। आप मुझे कहा करती थी ना कि इन दोनों की नजर उतार दो, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मुझे लगता है मेरी बेटी की खुशियों को किसी हासिद की नजर लग गई। मैं क्या कहूं, अरे ये जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं ना, ना किसी की खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना किसी का दुख देख सकते हैं। अब तुम्हें पता है आजकल ये लोग क्या आपस में बातें कर रही हैं? ये लोग कह रही हैं कि दुआ अपने शौहर की मौत के गम में पागल हो गई है, मैड हो गई है। अब तो ये लोग मुझे मिले ना तो मैं एक एक को सबक सिखाऊंगी। रहने दे, कहने दे उन्हें जो मैं कहना है। जब हमारी किस्मत में खुशियां नहीं है तो हम किसी से क्या शिकवा करें? अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो तुम खाना खाओ। आओ बेटा आओ, आओ बेटा। मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। चलो बेटा नाश्ता शुरू करो, खा क्यों नहीं रहे तुम दोनों? दिल नहीं कर रहा। थैंक यू आंटी, मुझे भी भूख नहीं है। अरे बेटा मैं तो तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, सोचा आज ब्रेकफास्ट तुम दोनों के साथ करूंगी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं किया। बेटा वो तुम्हारे पापा भी स्ट्रिक्टली कहकर गए हैं कि अपने सामने कुछ खिला देना, कुछ खा लो बेटा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन हमें खुद को संभालना होगा।
अशर की मौत का गम भुलाने के लिए तो और आयला की मदद करनी होगी हमें। जी आंटी, इनफैक्ट मैं अभी दुआ के घर ही जाऊंगी, बेचारे अजीब का है। दुआ इद्दत पे क्यों बैठेगी? क्यों इद्दत में क्यों नहीं बैठेगी? मेरा मतलब है कि उस घर में कोई मर्द नहीं है और आयला आंटी भी बीमार रहती हैं, तो घर के अंदर के बाहर के काम दुआ को करने होंगे। आपे मैं बेचारी घर संभाले, आंटी को संभाले, अपने आप को। हाँ बेटा, दुआ जितना प्यार अशर के साथ करती थी, मुझे तो डर है कि वो दिल को ना लगा बैठे। तुम लोगों को जाना चाहिए, उसे तसल्ली दो जाकर। तो तुम भी मेरे साथ दुआ के घर आ जाओ। अभी नहीं। लेकिन क्यों मुझसे? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम उसे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो। बस मैं फिलहाल उन्हें फेस करने की पोजीशन में नहीं हूँ। हाँ वैसे जल्दी से काफी डिस्टर्ब हो, शायद तुम्हारा तो जाना सब बेहतर है। ये आंटी को दे देना। ये क्या है? कुछ पैसे हैं। मिर्जा, I don't think आंटी इसको एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें जबरदस्ती देना होगा, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। और कोशिश करना कि अशर का जिक्र ना ही हो तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन इतनी देर तुम क्या करोगे? अपने दोस्त के पास बहुत सारी बातें करनी है मुझे। कैसी हो बेटा? अच्छा हुआ तुम्हारा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, आप बताएं। हमारा तो वही हाल है कि अल्लाह कभी किसी दुश्मन का भी ना करे। आंटी सब्र करें, सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे करूं सब्र? मेरी तो सारी जिंदगी गुजर गई सब्र करते, लेकिन अब जो दुआ का हाल है, अनुषे वो देख कर सब्र नहीं आता। अब क्या हुआ दुआ को? ठीक तो है? खुद ही आकर देख लो। अशर, आज इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम हमारे दरमियान नहीं हो। अभी भी हर लम्हे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास रहता है, लेकिन इस वक्त दुआ की जो हालत है, मुझे हौसला नहीं हो रहा कि मैं दुआ का सामना कर सकूं, किसी का भी सामना कर सकूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इतना हाल दिल किससे। तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले। क्या हालत बनाई हुई है अनुषे? अशर मुझसे नाराज है ना?
दुआ ये सब बातें छोड़ो, चलो हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। एक काम करो, तुम मुर्तजा के साथ आओ, मैं अशर को लेके आती हूँ। ऐसे करते ना कि हम दोनों साथ में जाते हैं और अशर और मुर्तजा बाद में आ जाएंगे। नहीं, वो अशर मुझसे बहुत नाराज है, मैं उसको लेके आती हूँ, तुम जाओ। अच्छा, कम से कम उठ के आराम से बेड पे तो बैठो ना, क्या किया हुआ तेरा? सिचिया, मैं अभी आ रही हूँ। आंटी, आप रो क्यों रहे हैं? आंटी आंटी हिम्मत रखें, आप इस तरह करेंगे तो फिर दुआ को कौन संभालेगा? पता नहीं इस बदनसीबी ने हमारे घर का रास्ता क्यों देख लिया। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। तुम कहती हो ना कि वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बहन, तो तुम उसको संभाल लो। मुझ में उसे खोने की हिम्मत नहीं है। आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? दुआ को कुछ नहीं होगा। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि अशर इस दुनिया से जा चुके, वो कभी नहीं आएगा। आंटी वो इस वक्त सदमे में है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आंटी प्लीज आप परेशान मत हो, अपना ख्याल रखें वरना तबीयत खराब हो जाएगी। क्या कर रही है बेटा? अम्मी लेटर्स लिख रही हूँ अशर के लिए। सॉरी के वो जब भी हमारा झगड़ा होता ना तो वो मुझे 1000 लेटर्स लिखता था सॉरी के, और फिर मैं मान जाती थी। मैं उसे 5000 लेटर्स लिख के दूंगी और वो मान जाएगा। सॉरी तो मैं कहूंगी उसे। मैंने उसके लिए टेडी बेयर भी लिया है, टेडी बेयर भी उसे सॉरी बोलेगा, उसको टेडी बेयर्स पसंद है। अभी आप मेरी जरा हेल्प करेंगी, जाके एक मार्कर लें, अभी बहुत ज्यादा रहते हैं। प्लीज बच्चे कहाँ हैं? अलीजा तो यूनिवर्सिटी गई है और मुर्तजा अनुषे को लेकर दुआ के घर गया है। गुड, बाहर आएंगे जाएंगे तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा। जी, बच्चे अब समझौता कर रहे हैं।
बहुत समझाया उन्हें, सब्र आ ही जाएगा। दुआ और आयला बहन की तबीयत कैसी? जिस सुबह गई थी मैं, आयला तो बहुत बाहिम्मत खातून है, अशर की मौत को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया, लेकिन दुआ की हालत ठीक नहीं, बिल्कुल साइको हो गई है वो, मानने को तैयार ही नहीं कि अशर अब इस दुनिया में नहीं। Oh no, it's very dangerous. उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जी, अलीजिया के फ्रेंड के अब्बू बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, वो ने ले जाए। गुड, ये बहुत जरूरी है। आयला को ये परेशानी हो रही है कि कहीं सिकंदर खान दुआ को गांव ना ले जाए। लेकिन सिकंदर खान दुआ को गांव क्यों ले जाएगा? उसकी बहू है वो। जब अशर जिंदा था उस वक्त तो उन्होंने दुआ के रिश्ते को कबूल नहीं किया था। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, आयला माँ है ना। ठीक है, आप परेशान ना हो, लेकिन अब दोनों माँ बेटियां अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। ठीक। ये देखें, अशर की फेवरेट शर्ट, इतने हफ्तों से ढूंढ रहा था ना, लड़ लड़ के उसने मेरा दिमाग खा लिया था, उसके आने से पहले पहले मैं प्रेस करके रखूंगी। बस बहुत हो गई, छोड़ दो। अशर की शर्ट अम्मी? हाँ, बस आ जाओ। अम्मी इस्त्री करनी है ना? तुम्हें पता है कि आज अंकल और आंटी भी दुआ और आयला आंटी से मिलने गए थे? तो फिर तुम क्यों नहीं जाते? आई मीन, उनके उनसे सही तरह से तुम मिलो। इसमें मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। क्या मतलब, क्यों? इस वक्त बेचारी दुआ को तो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। पता नहीं क्यों। It's not right, Murtaza. वो दोनों क्या सोचेंगे? बेचारी दुआ तो वैसे भी। क्या हुआ दुआ को? अभी तक ट्रॉमा में है, वो अशर की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। क्या मतलब? वो बैठ के अशर की इस तरह बातें करती है जैसे वो किसी भी सेकंड दरवाजे से एंटर होने वाला हो, और बाकायदा उसका वेट करती है। तो तुम समझाओ ना उसे, बात करो उसे, तुम्हारी बात तो सुनती है वो। उसकी ये हालत देख के आयला आंटी बहुत स्ट्रेस ले रही है। कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, जो भी हो, तुम्हें से मिलने जाना चाहिए। तो नहीं गई मेरी बेटी? अशर के कपड़े इस्त्री कर रही थी, सुबह उसने ऑफिस जाना होता है तो मैं रात को तैयार करके रख लेती हूँ। इतनी रात हो गई है, वो बस आने वाला होगा। तो आ, बेटा अशर अब कैसे आ सकता है? ऑफिस से आएगा अम्मी, हम लोग ना खाना खा के लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अम्मी आप भी हमारे साथ आएंगी? मेरी जान,
अशर अब कभी वापस नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा अम्मी? जरूर आएगा, उसे आना पड़ेगा। और अगर वो नहीं आएगा ना, तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। अभी दुआ अपनी सेंसेस में नहीं है और वो पुरानी बातें रिपीट कर रही है। अगर ऐसे में मैं उसके सामने चला गया तो मैं अनुषे को कैसे समझाऊंगा? सबके सवालों का जवाब कैसे दूंगा मैं? नहीं, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा।